बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और टॉपिक लेकर हाज़िर हुए हैं और ये होम्योस्टेसिस का बड़ा टॉपिक है। इसका नाम है ऑस्मो रेगुलेशन। हमने जो कंपोनेंट पढ़े थे ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट के, वो तीन कंपोनेंट थे। पहला कंपोनेंट था थर्मोरेगुलेशन, दूसरा था ऑस्मोरेगुलेशन और तीसरा था एक्सक्रीशन। इस चैप्टर में हम ये तीनों टॉपिक कवर करेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है जी ऑस्मो रेगुलेशन। ये हम प्लांट में भी पढ़ेंगे और एनिमल भी पढ़ेंगे। इस तरीके से तीनों टॉपिक हम जो हैं वो प्लांट में और एनिमल दोनों में स्टडी करेंगे। तो ऑस्मो रेगुलेशन में जो सबसे पहला हेडिंग है वो है वाटर रिलेशंस ऑफ सेल्स। वाटर क्या चीज़ है? वाटर इज़ अ सॉल्वेंट। वाटर इज़ अ सॉल्वेंट जिसमें जो सल्यूट है वो हल होता है। तो वाटर इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो हर सेल जो है उसने अपने अंदर एक खास पानी की मकदार बना ली है, यानी डिफाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर इन रिलेशन टू सा। अगर ये दोनों देखें तो अगर दोनों में पानी बराबर है तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें साल्ट ज़्यादा हैं, जबकि इसमें जो है वो साल्ट कम है। ठीक है, लेकिन पानी की मकदार दोनों में बराबर है। तो हर सेल ने अपने आप को डाल लिया है कि वो किस रेशो पे काम करेगा, कि कितना पानी होना चाहिए और कितना साल्ट होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को वो मेंटेन करता है अपने होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म के ज़रिए। वो देखेंगे वो किस तरीके से इसको मेंटेन करता है। दूसरा हमारा हेडिंग है जी बैलेंस ऑफ वाटर एंड सल्यूट। वाटर और सल्यूट को बैलेंस करने की ज़रूरत कब पेश आती है? आप कहें कि जब ये इम्बैलेंस हो जाए, इनका बैलेंस बिगड़ जाए, तो इसको बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। ये कब होता है, ये बैलेंस कब बिगड़ता है? कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है वो बदलती रहती है, वो चेंज होती रहती है विद पैसेज ऑफ टाइम। ये जो इन्वायरमेंट है जिसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट कहते हैं, ये तीन तरह की हो सकती है। ये हाइपोटोनिक हो सकती है, ये हाइपरटोनिक हो सकती है, ये आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। इसी तरीके जो सेल है उसकी भी इन्वायरमेंट तीन तरह की होगी। हाइपोटोनिक सेल हो सकता है, हाइपरटोनिक हो सकता है और आइसोटोनिक हो सकता है। अगर इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक है तो सेल हाइपर हो सकता है, अगर इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक है तो सेल जो है वो हाइपोटोनिक हो सकता है, एंड वाइस वर्सा। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट या हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन क्या है? इट इज़ अ डिल्यूटेड सॉल्यूशन, जो जिसमें नमक कम हो जिस पानी में, उसको हम कहते हैं जी डिल्यूटेड सॉल्यूशन कहते हैं, एज कंपेयर टू सेल। यानी बाहर पानी जो है वो ज़्यादा है जबकि सेल में पानी कम है। एज अगर हम कंपेयर करें तो इसमें आप देखें कि ये डिल्यूट है, ये बाहर वाला जो लिक्विड है ये डिल्यूट है। इसकी वजह क्या है कि इसमें जो पानी वो ज़्यादा है और साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो कम है। अगर पानी में साल्ट की कंसंट्रेशन कम हो तो उसको हम कहते हैं डिल्यूटेड सॉल्यूशन कहते हैं, या आप उसको डिल्यूटेड इन्वायरमेंट कहते हैं। ये हाइपोटोनिक हम कब इस्तेमाल करेंगे? जब हम इसको किसी के साथ
कंपेयर करेंगे, हम एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट को इस सेल के इन्वायरमेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो इस एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट जो है वो हाइपोटोनिक है, तो फिर सेल क्या है, वो हाइपरटोनिक है। सोल्यूशन हाइपोटोनिक है और सेल जो है उसके अंदर रखा हुआ है वो हाइपरटोनिक है। दूसरी हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है जी, मोर कंसंट्रेटेड इन्वायरमेंट, मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक। यानी नमक ज़्यादा है, पानी कम है और नमक ज़्यादा है, इन रेशो अगर उसके हम देखें तो उसमें, इसमें देखें बाहर नमक ज़्यादा है और सेल में नमक कम है, तो इसमें जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है वो है हाइपरटोनिक, जबकि जो सेल के अंदर की इन्वायरमेंट है वो हाइपोटोनिक है। हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक इनको आपने गौर से देखना है। तीसरे जी आइसोटोनिक, ऐसा सोल्यूशन, ऐसी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जिसमें जो साल्ट कंसंट्रेशन हो वो सेम हो, बाहर भी साल्ट उतने ही हैं जितने सेल के अंदर हैं, तो साल्ट बराबर हो, तो इसको हम कहते हैं जी आइसोटोनिक सोल्यूशन या इन्वायरमेंट इसको हम कहते हैं। इसमें हम देखेंगे अगर हम एक सेल को डालते हैं जी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में तो क्या होता है, अगर इसको हम डालेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन में तो क्या होगा, अगर इस एक सेल को हम डालें आइसोटोनिक सोल्यूशन में तो क्या होगा। यहां पे हम देखते हैं कि बाहर साल्ट कम है और अंदर साल्ट ज़्यादा है, यानी पानी बाहर ज़्यादा है और सेल में पानी कम है, बाहर का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है और सेल का वाटर पोटेंशियल कम है, तो इसका नतीजा क्या होगा कि पानी बाहर से सेल के अंदर दाखिल होगा, ठीक है, क्योंकि पानी बाहर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेल्स वाटर, तो इसका नतीजा क्या होगा कि सेल जो है वो टर्जिड हो जाएगा। अगर सेल टर्जिड हो गया तो नेक्स्ट स्टेप में वो ब्रस्ट हो जाएगा, वो फट जाएगा। अगर सेल जो है वो टर्जिड हो गया या ब्रस्ट हो गया तो इससे उस सेल की डेथ हो सकती है और ऑर्गेनिज्म जो है वो इन सेलों के साथ जिंदा नहीं रहता। अगर हम सेल को डालते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, बाहर साल्ट ज़्यादा है और अंदर कम है, यानी पानी जो है वो बाहर कम है और अंदर ज़्यादा है, तो अंदर का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, बाहर का वाटर पोटेंशियल कम है, तो इसमें क्या होगा कि पानी सेल से बाहर आएगा और जैसे ही ये पानी सेल से बाहर होगा तो सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा। ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपन व्हेन वी पुट सेल इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो एक में सेल टर्जिड हो जाएगा और एक में सेल श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। अगर हम सेल को डालते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन में तो देर इज नो चेंज, क्यों, क्योंकि सेल के अंदर पानी और नमक इतना ही है जितना सेल से बाहर है, दोनों को वाटर पोटेंशियल सेम होगा, इसलिए देर इज नो नेट गेन ऑफ वाटर इन दिस केस। तो ये था बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट इन द बॉडी। रेगुलेशन में आगे चलते हैं जी, ऑस्मो रेगुलेशन अब हम पढ़ते हैं जी इन प्लांट्स। ऑस्मो रेगुलेशन हमने प्लांट्स में भी पढ़नी है और एनिमल में भी पढ़नी है। प्लांट्स के अंदर
तीन तरह के एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट होते हैं। नंबर वन एक्वेटिक हैबिटेट, नंबर टू मॉडरेट वाटर हैबिटेट, नंबर थ्री ड्राई हैबिटेट। तो ये तीन तरह के इन्वायरमेंट हैं जिसमें प्लांट पाए जाते हैं मेनली। तो हमने देखना है कि इन हैबिटेट में पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं उनमें कौन कौन से प्रॉब्लम हैं और उन्होंने प्रॉब्लम को कैसे हल किया है। तो अकॉर्डिंग टू वाटर अवेलेबिलिटी द प्लांट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। नंबर वन हाइड्रोफाइट्स, नंबर टू मीजोफाइट एंड नंबर थ्री ज़ीरोफाइट। देर आर थ्री काइंड्स ऑफ प्लांट्स। तो वन बाय वन हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है जी हाइड्रोफाइट्स, यानी पानी में उगने वाले पौधे। जहाँ पे कुछ तालाब है, तालाब के अंदर जो प्लांट्स पाए जाते हैं उन प्लांट्स को हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। अब इसमें मसला क्या है कि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है। तो जब पानी बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा? मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में है तो क्या होगा? लाजमी तौर पे पानी बाहर ज़्यादा है और सेलों में कम है, तो बाहर से पानी सेलों के अंदर आएगा। इसी तरीके से इन प्लांट में हाइड्रोफाइट्स में भी ऐसा ही होता है कि पानी जो है वो मुसलसल सेलों के अंदर दाखिल होता रहता है। अगर ये पानी जो है इन रिलेशन विद साल्ट्स ज़्यादा हो जाए तो सेल काम नहीं करते, क्योंकि उनकी पीएच चेंज हो जाती है। तो फिर प्लांट्स को क्या करना चाहिए? उसको वो एक्स्ट्रा पानी बाहर निकाल देना चाहिए। तो उसमें किस तरह की अडेप्टेशन होंगी? टू रिमूव फ्लडिंग ऑफ सेल्स, टू रिमूव फ्लडिंग ऑफ सेल्स, यानी पानी जो आ रहा है, एक बहुत ज़्यादा जो पानी सेलों के अंदर आ गया है, फ्लड जैसा पानी आ गया है, तो उसको बाहर निकालना है। तो इसमें वो अडेप्टेशन होनी चाहिए कि जो पानी आ रहा है उसको फौरन ही बाहर निकालते हैं। तो इसमें पहली अडेप्टेशन है जी लार्ज सरफस एरिया। पानी में पाए जाने वाले पौधों के पत्ते बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया ज़्यादा होने से क्या फ़ायदा इस प्लांट्स को होगा? कि जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको ज़्यादा सरफेस मिल जाएगी ट्रांसपिरेशन की शक्ल में बाहर निकलने में। तो जितना एरिया ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा ट्रांसपिरेशन भी होगी और उतने ही ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर होगा, और जो पानी जो है वो सेल के अंदर आया है या प्लांट्स के अंदर आया है वो बाहर निकल जाएगा। ये पहली अडेप्टेशन है कि उनके पत्ते चौड़े चौड़े होते हैं और बड़े होते हैं। दूसरी है जी एक्सटेंसिव स्टोमेटा। एक्सटेंसिव स्टोमेटा का मतलब है कि इनमें स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं, और ये स्टोमेटा होते हैं जी ऑन अपर सरफेस, ऑन अपर सरफेस, जो पत्ते की ऊपर वाली नीचे वाली जो सरफेस है वो पानी को टच कर रही है, तो इसलिए नीचे स्टोमेटा नहीं होते। लेकिन जो स्टेमोटा होते हैं वो अपर सरफेस पे होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं। और आप जानते ही हैं कि जो ट्रांसपिरेशन है वो ज़्यादातर स्टोमेटा से होती है। तो जितने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे उतनी ही ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी और उतना ही लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा होगा। इस तरीके से इन दो चीज़ों से ये प्लांट जो हैं ये अपने मसले को हल कर लेते हैं कि जितना पानी सेलों के अंदर एक्स्ट्रा आएगा उसको जो फौरन ही ट्रांसपिरेशन के साथ रिमूव कर देंगे। तो इस तरीके से ये प्लांट जो है ये पानी में रहने के काबिल हो जाते हैं। दूसरे प्लांट हैं जी मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे पानी जो है वो मॉडरेट होता है, ना पानी ज़्यादा होता है और ना पानी कम होता है। अब ये जो हाइड्रोफाइट्स हैं ये कहाँ पाए जाएंगे? ये तालाबों में पाए जाएंगे, ये जोड़ों में पाए जाएंगे,
जहाँ भी पानी है वहाँ भी ये हो सकते हैं, जबकि मीज़ोफाइट जो हैं ये मैदानी इलाकों में होते हैं जहाँ भी पानी की मकदार मॉडरेट होती है, ना ज़्यादा होती है ना कम होती है। लेकिन इसमें दो कंडीशन पैदा हो सकती हैं और इन्हीं दो कंडीशन को ये मैनेज करते हैं। नंबर वन, सफिशेंट वाटर अवेलेबिलिटी, पानी काफ़ी मकदार में मौजूद है, या क्या होगा रिस्ट्रिक्टेड वाटर सप्लाई, पानी जो है वो कम है। तो अगर तो पानी सफिशेंट अवेलेबल है, आपने प्लांट को पानी दिया है काफ़ी सारा, तो वो अपने स्टोमेटा को ओपन रखेंगे, ठीक है, ताकि स्टोमेटा का जो काम है वो होता रहे। लेकिन अगर रिस्ट्रिक्टेड वाटर सप्लाई है तो ये अपने स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, ताकि पानी जो है वो प्लांट से बाहर ना जाए। यानी सफिशेंट वाटर में स्टोमेटा ओपन रहेंगे और जो रिस्ट्रिक्ट सप्लाई है उसमें स्टोमेटा जो है वो बंद हो जाएंगे। इस तरीके से ये अपने मसले को हल करते हैं। तीसरा नंबर पे है जी ज़ीरो फाइट्स। ये कहाँ पाए जाते हैं? सहराओं में पाए जाते हैं जहाँ पे एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशन होती हैं। तो हाइड्रोफाइट्स का मसला है पानी ज़्यादा। ज़ीरो फाइट में उल्ट है, इसमें पानी इसको अवेलेबल ही नहीं है। तो इसमें फिर कौन सी अडेप्टेशन होनी चाहिए फॉर रिड्यूस्ड रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन कम से कम हो। हाइड्रोफाइट्स में उल्ट है, उसमें ट्रांसपीरेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी, इसमें ट्रांसपीरेशन कम से कम होगी, ठीक है। तो ये इसमें अडेप्टेशन है, वो हमने देखना है कौन कौन सी है। वो इसके पत्तों में होगी, क्यूटिकल में होगी, स्टोमेटा में होगी, और शेडिंग ऑफ लीव्स हैं, स्टेम फोटोसिंथेटिक है, स्टोरेज ऑफ वाटर है। तो इसको वन बाय वन हम स्टडी करते हैं जी। सबसे पहले जी लीव्स, ज़ीरो फाइट के जो प्लांट्स हैं उनके पत्ते जो हैं वो छोटे होते हैं और थिक होते हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि इनका जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा इसके वॉल्यूम के मुकाबले में। इससे क्या होगा कि इसकी जो ट्रांसपीरेशन है उसका रेट जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जितने पत्ते छोटे होंगे उतनी ही ट्रांसपीरेशन भी कम होगी और पानी का लॉस नहीं होगा। तो ज़ीरो फाइट्स में आप ये देखेंगे कि पौधों के पत्ते छोटे और थिक होते हैं। दूसरे नंबर पे है क्यूटिकल। इट इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द सरफेस ऑफ एपिडर्मस, जो लॉस ऑफ वाटर को रोकती है क्यूटिकल। ये इसकी क्यूटिकल जो है ये थिक होती है, मोटी होती है, वैक्सी होती है और लैदरी होती है। क्यूटिकल अगर हम तीनों प्लांट्स में देखें तो सबसे जो ब्रीक क्यूटिकल है वो हाइड्रोफाइट्स में होगी, और जो सबसे ज़्यादा थिक है वो ज़ीरोफाइट्स में होगी, और मीज़ोफाइट्स में ये उसके इंटरमीडिएट होगी। तो क्यूटिकल थिक भी है और वैक्सी भी है। वैक्सी होने की वजह से ये पानी को बाहर नहीं निकलने देती है। ये जो वैक्स है ये हाइड्रोफोबिक है, ये पानी को बाहर जाने नहीं देगा। तो इस तरीके से क्यूटिकल इसकी थिक, वैक्सी और लैदरी होने की वजह से इसमें जो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन है वो बहुत कम कम है। आगे बात कर लेते हैं जी, स्टोमेटा की बात कर लेते हैं। हाइड्रोफाइट से हम देखा था कि जो स्टोमेटा हैं वह हैं ऑन अपर सरफेस, जबकि यहाँ पे हैं ऑन लोअर सरफेस। उल्ट उल्ट काम है कि इसमें अपर सरफेस पे हैं स्टोमेटा और इसमें लोअर सरफेस में है, बल्कि लोअर सरफेस में भी वो कहाँ पे हैं जी, इन डिप्रेशंस, गड़ों के अंदर, ये नीचे की तरफ ये स्टोमेटा हो गए। और इसमें देखिए एक्सटेंसिव स्टोमेटा बहुत ज़्यादा हैं, इसमें बहुत कम होंगे। जितने स्टोमेटा कम होंगे उतना ही जो स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन है उसका रेट भी कम होगा। तो ये अपने स्टोमेटा जो हैं ये
नीचे वाली सरफेस पे बनाते हैं और इन डिप्रेशन बनाते हैं जिससे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। नेक्स्ट है जी शेडिंग ऑफ लीव्स। जब इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ड्राई होता है और ट्रांसपिरेशन जो है वो बंद करनी होती है तो ये अपने लीव्स जो हैं इसको गिरा लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो ट्रांसपिरेशन है वो पत्तों से होती है, इनके पत्ते जो हैं वो गिर जाते हैं और इन पत्तों के गिरने की वजह से इनमें रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होता है। अब पत्ते जो हैं वो तो गिर गए, अब पत्तों का जो फोटोसिंथेटिक वर्क है वो कौन करेगा? तो इनमें जो स्टेम है वो फोटोसिंथेटिक हो जाता है, वो लीफ लाइक हो जाता है। एक स्टेम लीफ लाइक कैसे होगा? जब वो चपटा हो जाएगा, उसका चपटा होने की वजह से सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा और सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा फोटो सिंथेसिस करेगा। तो इनके स्टेम जो हैं वो फोटो सिंथेटिक होते हैं। एक और स्ट्रेटजी ये बनाते हैं वो है जी स्टोरेज ऑफ वाटर। सहरा में जो पौधे होते हैं उसकी जड़ें या तो ज़मीन के बिल्कुल करीब होती हैं या ज़मीन के बहुत नीचे तक होती हैं। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो 61 मीटर्स तक रूट्स की लंबाई रखते हैं, वो सहराओं के पौधे हैं। या रूट्स कहाँ पे होंगी? वो रूट जो है वो सरफेस के पास होंगी। मसलन ये प्लांट है तो इसकी रूट्स सरफेस के पास इस तरीके से फैली होती हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि जैसे ही बारिश होगी तो ज़्यादा पानी टकराएगा जड़ों से, और जितना ज़्यादा जड़ों से पानी टकराएगा रूट्स उतना ही पानी एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो इनकी जड़ें फैली होती हैं ताकि ये रेन वाटर ज़्यादा से ज़्यादा उसको एब्जॉर्ब कर लें। या इनकी जड़ें बहुत नीचे वाटर टेबल तक पहुँचती हैं ताकि वो पानी को हासिल कर लें। तो ये अडेप्टेशन है जिसकी वजह से ज़ीरोफाइट जो हैं ये बड़ी कामयाबी के साथ सहराओं में आपको नज़र आते हैं। तो इसमें हाइड्रोफाइट्स है, मीज़ोफाइट्स है और ज़ीरोफाइट्स है। तो इसमें अगर इसको आप देखें इसकी एग्ज़ाम्पल, तो हाइड्रोफाइट्स की एग्ज़ाम्पल है जी वाटर हायसेंथ। इसकी जो डायग्राम है वो बुक में बनी हुई है, वाटर हायसेंथ कहते हैं उसको। और मीज़ोफाइट में कौन कौन ये है जी? मस्टर्ड है, सरसों, इसके अलावा गुलाब है, रोज़ और मैंगो आम। ये कौन से हैं जी? मीज़ोफाइट्स हैं। ज़ीरोफाइट्स की एग्जांपल क्या है जी? इसको हम कहते हैं कैक्टाई। कैक्टाई ये वाटर हायसेंथ, हायसेंथ ये पानी में पाए जाने वाले पौधे हैं। तो ये था ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है ये पसंद आया होगा। खुदा हाफिज़।